इस वीडियो में बात करने वाले WWE अपडेट्स के बारे में रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस में देखने को मिल सकता है एक बार वापस, क्योंकि सेथ रॉलिंस आ रहे स्मैकडाउन पे और कोडी रोड्स का जो प्रोमो था रॉ पे वो था 101% स्क्रिप्टेड, ये मैंने ये खुद कह रहे रॉ के ऑफिशियल्स। और इसके अलावा भाई बात करने वाला ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी बनने वाले US चैंपियन। और भी अपडेट्स है सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए, आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और अगर आपने रात वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसको देख लेना। अगला मैं जहाँ पर नया आया हूं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको WWE से रिलेटेड न्यूज और अपडेट देखने को मिलती रहती है। चले आज के मार्केट को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते भाई कोडी रोड्स के बारे में, तो मैंने आपको कहा था कि कोडी रोड्स जो है बम के शो पे आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ अंदर की बातें रिवील हो सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ है, तो बता देता हूँ क्या रिवील हुआ है। भाई कोडी रोड्स ने कहा है कि जो उनका प्रोमो है वो अनस्क्रिप्टेड था, ठीक है ना, पूरी बात सुन लो। कोडी रोड्स ने कहा उनका प्रोमो अनस्क्रिप्टेड था और तब तक न्यूज यही थी कि अनस्क्रिप्टेड था, लेकिन फिर भी जैसे मैं सुबह उठाऊ रिंग साइड और स्टीव गैलरी की रिपोर्ट आती है कोडी रोड्स का जो प्रोमो अनस्क्रिप्टेड नहीं था, वो 100% स्क्रिप्टेड था। ये वो भी नहीं कह रहे ना, मैं कह रहा हूँ ये खुद रॉ के ऑफिशियल्स कह रहे हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना प्रोड्यूसर टीम में, वहाँ का एक मेंबर कह रहा है कि जो 100% ये प्रोमो है वो स्क्रिप्टेड था। और किस तरह से स्क्रिप्टेड था मैं बता देता हूँ। कोडी रोड्स ने कहा कि भाई मुझे इस चीज़ों के बारे में बोलना है और मैं स्वीकार ने वहाँ परमिशन दे दी कि हाँ भाई तुम इस चीज़ के बारे में बोल सकते हो। तो इस तरह से वो प्रैक्टिकली स्क्रिप्टेड था, तो मतलब ना इसको पूरा अनस्क्रिप्टेड कह सकते हैं ना इसको पूरा तरीके से ना स्क्रिप्टेड कह सकते हैं। भाई साहब क्या थॉट्स है इसे स्क्रिप्टेड या अनस्क्रिप्टेड प्रोमो पे, कमेंट्स में जरूर बता देना। बात कर रहे थे बियांका ब्लेयर के बारे में, तो भाई बियांका ब्लेयर ने जो ट्रिपल एच के बारे में बात कुछ रिवील की है, आप सब जानते हो भाई सारे सुपरस्टार को ना ट्रिपल एच ने बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाए, तो सब उनकी तारीफ करते हैं। बियांका ब्लेयर का भी यही कहना है कि जो ट्रिपल एच वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे NXT में पुश दिया और मेरे पर भरोसा किया और मुझे अच्छी अच्छी फ्यूड में चैंपियनशिप फ्यूड में भेजा है। और इसके अलावा उन्होंने एक ऐसी लाइन कही, भाई बात तो बहुत सारी की लेकिन ऐसी लाइन कही जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। उन्होंने कहा ट्रिपल एच इज एवरीथिंग ही वॉज NXT, मतलब ट्रिपल एच खुद ही NXT हो। ये बात बिल्कुल सच है कि ट्रिपल एच ही NXT के पिताजी है और ट्रिपल एच ने ही NXT को बनाया। तो भाई आपके थॉट्स है इस पर कमेंट्स जरूर बता देना। बात कर लेते भाई ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, तो भाई ऑस्टिन थ्योरी ने रॉ टॉक पे बात रिवील की, मैं बताना भूल गया था कि भाई वो जाने वाले हमारे विंस मैकमहन के पास, जो कि उनके बहुत काफ़ी अच्छे यार है, मेंटर है, मेंटर है यार तो नहीं कह सकते मतलब सर है। तो भाई विंस मैकमहन जाने वाले कहने वाले भाई मेरे को चाहिए फिन बेलर के खिलाफ एक US चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी, और ऑब्वियसली बात है वही विंस मैकमहन के चाहिए बंदे तो उनको मिल भी जाएगी और बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको US चैंपियन बनते हुए देखने आ जाए, या फिर हो सकता है इनका मैच होने वाला हो या तो रॉक एपिसोड में हो जाएगा या फिर ऐसे में बैकलैश में हो जाएगा। भाई आप देखना चाहोगे US चैंपियनशिप ऑस्टिन थ्योरी के पास, कमेंट्स जरूर बता देना। वैसे ऑस्टिन थ्योरी मैचेस तो अच्छे थे। बात कर लेते भाई लोगन पॉल के बारे में, तो कल मैंने आपको लोगन पॉल के रिगार्डिंग बहुत अपडेट्स दी थी, लेकिन भाई आज एक और अपडेट्स आई क्योंकि जो वो पैट मैकअप शो पे आते हुए ये बात रिवील करते हैं कि जो रिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी बाउंस ही नहीं है, वहाँ पे प्लाईवुड लगा हुआ, वहाँ पे जब मूव करते हैं तो लगती है। तो भाई उन्होंने जो कहते हैं ना रेसलिंग फेक है स्क्रिप्टेड हुई तो फेक हो गई, उनके मुंह पे भाई खतरनाक वाला थप्पड़ मार दे, क्योंकि बिल्कुल रेसलिंग फेक नहीं होती है, स्क्रिप्टेड और फेक में बहुत अंतर है। स्क्रिप्टेड में भी कैसे आपको रिजल्ट ही तो पता होता है, जो मेन मूव्स लगने वाले वो पता होता है, बाकी मैच को कितना लंबा ले जाना है सुपरस्टार खुद डिसाइड कर लेते हैं, खुद ही ना मैच को ले जाते हैं अच्छे पेस पे। और इसी के साथ भाई लोगन पॉल ये बात भी रिवील करते हैं उनके जो भी जैसे में के मूव्स है ना वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो ही नहीं सकते, वो जैसे मैंने में जाके करने पड़ते हैं। भाई एक बात करते हैं नेक्स्ट अपने अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है रोमन रेंस सेथ रॉलिंस अगेन जैसे मैं बैकलैश में हो सकता है, क्योंकि जो सेथ रॉलिंस वो एडवर्टाइज किए जा रहे हैं स्मैकडाउन के लिए, लेकिन ध्यान से सुना सिर्फ एक ही स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज किए जा रहे आगे वाले के लिए नहीं, लेकिन जो अभी स्मैकडाउन होने वाला है ना 2 दिन बाद वहाँ के लिए फिक्स एडवर्टाइज किए जा रहे। और मैं बताऊँ रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में क्यों आ रहा है, ऑब्वियसली वो चैंपियनशिप फ्यूड के लिए ही आ रहा है, यहाँ पूरा का पूरा चांस है कि वो वापस आना कंफर्म करते हुए नजर आ सकते हैं रोमन रेंस को, मुझे तो पॉसिबिलिटी लगती है सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स ड्रू मैकइंटायर एंड रोमन रेंस चारों का फेटल फोर मैच होगा जैसे मेरे बैकलैश में। भाई के साथ क्या थॉट्स है इस पर कमेंट्स जरूर बता देना। इस वीडियो को लेते अपडेट्स, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ।